कुछ ही घंटों बाद भारत एक बड़ी ऊंचाई तय करने वाला देश बनेगा, यानी कि वो चौथा देश होगा जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने जा रहा है। ऐसा चौथा देश, इससे पहले अमेरिका ये काम कर चुका है, चीन कर चुका है, रूस कर चुका है, अब भारत की बारी है। ये आप एक डेमो देख रहे हैं, मैम आपको बताएंगी कि कैसी ये कामयाबी होगी जब भारत हासिल करेगा और क्या क्या फायदे इस चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर भेजने के होंगे। चंद्रयान 2 जो ये मिशन है अभी लॉन्च है, इसका कुछ ही घंटों में लॉन्च है, आगे चल के सितंबर तक चंद्रमा के पास सॉफ्ट लैंडिंग जो शेड्यूल में है। ये 52 दिन का शेड्यूल है ना मैम? हाँ, तो वहाँ जाके फिर चंद्रमा पर, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, इम्पैक्ट नहीं बट सॉफ्ट लैंडिंग, ताकि वो एकदम जाके उसे गिरे नहीं बट धीरे धीरे डिसेलरेट होके ऐसे उतरे कि यान जो है वहाँ पे फिर टिका रहे और फिर यान जो विक्रम लैंडर है, विक्रम लैंडर है, इसके ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर और लैंडर दोनों सेपरेट हो जाएंगे चंद्रमा के पास जब आएंगे, और जो लैंडर है वो धीरे धीरे सतह पे उतरेगा। जब सतह पे उतरने के बाद दरवाजा खुल के रोवर प्रज्ञान जो है वहाँ से रोल आउट करेगा, रोल आउट करके चंद्रमा की सतह आसपास कुछ किलोमीटर से कम जो है दूरी आसपास जो है जाके वहाँ के पदार्थ मटेरियल जो भी है उनके पास से जो है उस आंकड़े लेगा। उनके ऑर्बिटर जो है वो चंद्रमा की सतह चारों तरफ चक्कर लगाते हुए चंद्रमा की एक मैपिंग लेगा, मैपिंग तो मिनरोलॉजिकल मैपिंग लेगा और टोपोग्राफी वगैरह सबकी मैप, ताकि हमें चंद्रमा की ज़्यादा हिस्सों की जानकारी मिले। और जो ये लैंडर रोवर है वो साउथ पोल रीजन में जाके एक जगह से जो है वहाँ जो इन सिटू कहते हैं वहाँ पास आसपास में, लेकिन ज़्यादा गहरा जो है जहाँ से निगरानी जो हो सकती है। तो इस तरह से ये चंद्रमा की ये तीनों में जो है पेलोड्स हैं, तीन अलग अलग हिस्सों में पेलोड्स हैं जिससे चंद्रमा की निगरानी होगी। और ये ऐसा दौर है जहाँ पे अभी प्रश्न ज़्यादा चंद्रमा पर मौजूद पानी को लेके पानी है करके पता चला। चंद्रयान 1 था मिशन 2009 में, 2008 में जब चंद्रयान मिशन गया था तो वो उस मिशन से हमें पहले आंकड़े मिले जो पानी की मौजूदगी के थे। उससे पहले तो ऐसे समझते थे कि चांद तो पूरा सूखा सूखा रहेगा क्योंकि उतना उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है कि वोलेटाइल्स को पकड़ के रखे, लेकिन है करके हमें आंकड़े मिले हैं। और पानी एज वाटर बेरिंग मटेरियल्स पकड़ा रखा हुआ है चांद के ऊपर, और कुछ जगह हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और वहाँ से इतना वोलेटाइल्स शायद ना जाए, तो वहाँ पे है और काफ़ी मात्रा में मौजूद है, ऐसा बहता पानी नहीं लेकिन वाटर आइस इन सब सरफेस रीजन्स हैं। तो कितना है, कहाँ है, किस मात्रा में है, कितना अंदर जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए, ये सारी चीज़ें मैपिंग होगी इस मिशन में। इसमें क्या अंतर देखा जाए, क्योंकि अमेरिका, चीन, रूस भी अपना यान भेज चुके हैं और सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, तो उन्हें जो मिला और जब हमारा चंद्रयान 2 जा रहा है तो इसमें अंतर क्या होगा? एक तो ऐसा है कोई एक खास जगह पे उतर के वहाँ पे निगरानी हुई है, कई सारे ऐसे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें मोर लार्जर स्केल जो है और जानकारी की ज़रूरत है, जानकारी की ज़रूरत है। दूसरी बात, ये मिशन की खासियत एक ये है कि ये साउथ पोल रीजन में, चंद्रमा के साउथ पोल रीजन में जाके उतरेगा और जहाँ से ये आंकड़े लेगा, और वो जगह अभी तक वहाँ से किसी ने आंकड़े नहीं, साउथ पोल रीजन से कोई जहाँ पे ऐसे साउथ पोल रीजन जहाँ पे परमानेंटली डार्क रीजन्स हैं, जहाँ पे सूरज की रोशनी कभी पहुँचती नहीं है, ऐसे रीजन्स हैं वहाँ पे जहाँ पे पानी ज़्यादा मात्रा में होने के आंकड़े मिल चुके हैं, लेकिन उनको पास से जो है उनके और सूक्ष्मता से उनके आंकड़े, यानी कि मैम साउथ पोल रीजन में पहुंचने वाला भारत पहला देश होगा। हाँ, ये यहाँ जैसे आप देखोगे कि ज़्यादातर जो है इक्वेटोरियल रीजन्स पे हुए हैं। अभी हाल ही में चीन का एक उतरा था ऑन द फार साइड ऑफ द मून, लेकिन जितना साउथ पोल के करीब हमारा मिशन जा रहा है उतना अभी कहीं किसी ने नहीं। साउथ पोल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है मैम कि वहाँ पे अंधेरा ज़्यादा है, सूरज ऐसा है ना, वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे क्रेटर की जो परछाई, क्रेटर का जो शेडोड रीजन रहते हैं उसके अंदर कुछ कुछ जगह रहते हैं जहाँ पे कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती,
तो उस कारण से वो जगह जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैम अगर प्रकाश आप डाल सकें, जो अमेरिका, रूस और चीन ने भेजा था, तो वहाँ पर पानी की क्या स्थिति मिली थी और साउथ पोल अब जा रहे हैं? देखिए कई सारे जो लैंडर थे वो ऐसे समय पे पहुँचे थे बिफोर वी हैड दिस, जो हमारे जो आंकड़े ऑर्बिटर से जो आंकड़े मिल रहे हैं, जो पानी की संभावना, हमें पानी की संभावना पहले कोई भी मिशन हो, ऑर्बिटर मिशन, क्लेमेंटाइन मिशन ने पहले सबसे पहले कुछ हिंट्स दिए थे, फिर लूनर प्रोस्पेक्टर जाके टकराया था चंद्रमा से ये पता करने के लिए पानी है या नहीं, लेकिन उस समय वो उसकी पुष्टि नहीं हुई। पुष्टि हुई चंद्रयान 1 मिशन में अमेरिकन पेलोड मून मिनरोलॉजी मैपर से और हमारा पेलोड इंडियन मून इम्पैक्टर प्रोब, इनसे पता चला कि पानी है। तो जहाँ जहाँ उतरे हैं वहाँ पे इस तरह की खोज हुई नहीं जो बता सकती थी कि पानी है, क्योंकि वो प्रश्न भी उतना अहम नहीं था पहले ज़माने में, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि हो ही नहीं सकता है। खैर वहाँ पे कुछ आंकड़े देखे और कई जगह जहाँ पे देखे थे वहाँ पानी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि पूरा बहता हुआ पानी है सब जगह, कहीं पे भी बहता हुआ पानी नहीं है। जो पानी के आंकड़े मिले वो ऑर्बिटर मिशन से मिले हैं, जो कह रहे हैं कि पानी के छुपे हुए उसमें है, जैसे मतलब वाटर बेरिंग में हाइड्रोक्सिल आयन्स इस तरह की चीज़ में है। अब ये भी पता चला है कि वाटर आइस सब सरफेस रीजन्स में होने की संभावना है। तो ये सब ऑर्बिटर से मिले हैं ये सारे आंकड़े। तो अब उन जगहों पे जाके जहाँ पे इसके संकेत मिले हैं, जो जो आंकड़े जिताए हैं, हाँ, तो ऐसे जगह पे अब जाएं जहाँ पे ये पानी के जो हैं आंकड़े मिले हैं और वहाँ पास से मटेरियल को उठा के उसको टेस्ट करके देखें, तो वो ये अभी करने जा रहे हैं। मैम ये पूरा का पूरा सफर जो है चंद्रयान का 52 दिन का है, तो कितने दिनों बाद इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी या डाटा इकट्ठा शुरू होना शुरू हो जाएगा? तो अभी तो मिशन लॉन्च है, लॉन्च के बाद जो है पृथ्वी के चारों तरफ पहले एक ऐसे सर्कुलर सा ऑर्बिट में पहले और फिर उसके बाद एलिप्टिकल ऑर्बिट जहाँ पे पृथ्वी से दूर जाएगा ये यान, और फिर धीरे से उसको एक लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में डालेंगे, जब पृथ्वी से थोड़ा दूर जाके चांद के चारों तरफ फिर वो ऑर्बिट में आ जाए और फिर चांद का सर्कुलर ऑर्बिट, ये सब होते होते फिर लैंडर वहाँ जाते जाते सितंबर तक जो है समय होगा। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो आंकड़े जो है ऑर्बिटर से पहले आंकड़े ये होंगे कि देखने के लिए कि कौन जहाँ पे जगह पे उतरना है, उसके पास से थोड़ी निगरानी होगी। तो ये सभी जो डेटा है ऑर्बिटर और लैंडर लगातार पृथ्वी को वापस भेजता होगा। रोवर जो काम करेगा वो पहले लैंडर को भेजेगा, लैंडर फिर पृथ्वी को भेजेगा। तो लगातार आंकड़े तो आते हैं लेकिन आंकड़ों को फिर वो उनको एनालाइज करने में भी वक्त लगता है पूरी तरह से, जो है जो कोई रिजल्ट्स हैं और डेफिनेटली महत्वपूर्ण रिजल्ट्स की उम्मीद है इनसे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.